ज्यादा आने जाने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, जैसे कई बार अकेले आते हैं ना गांव से, यहां से लेट जाते हैं, बस भी नहीं चल पाती या निकल जाती है, तब फिर ज्यादा प्रॉब्लम होती है घर जाने में, अकेले रहते हैं तब। अच्छा हाँ, और हमारे गांव तक तो कोई बस चलती नहीं है, चार गांव तक बस चलती है, वहां से 2 किलोमीटर फिर पैदल चलना पड़ता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव, आप देख रहे हैं NVTV। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बनखेड़ी स्टेशन पर। स्टेशन की हालात तो बताने की आवश्यकता नहीं है, ट्रेन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन जनप्रतिनिधि चाहे सांसद हों चाहे विधायक हों, वो इस बात पर ज़्यादा कुछ प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल हमारे क्षेत्र से तकरीबन 200 से 300 जो हमारी बेटियाँ हैं कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए पिपरिया कॉलेज जाती हैं। अभी ट्रेन तकरीबन 2 घंटे लेट हो चुकी है। हम इनसे बातचीत करेंगे, युवाओं की बात जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही भविष्य है। ये लोग थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये रूरल एरिया है, ग्रामीण एरिया है। ग्रामीण एरिया में पहले तो बेटियों को इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता रहती नहीं है कि वो खुल के अपनी बात रख सके, अपनी समस्याओं पर जो कुछ सुविधाएं वो चाहती हैं वो बोल सकते हैं। फिर भी मैं प्रयास करता हूं, शायद वो अगर कुछ बोलें। कुछ यहां पर गर्ल्स थी, वो अभी काफ़ी सारी यहां पर इकट्ठी थी, लेकिन अभी वो चली गई हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब लोग खुल के बोलें, तभी जनप्रतिनिधि तक हमारी जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वो पहुँच पाएगी। फिर भी मैं बातचीत करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है आपका? मेघा नागवंशी। अच्छा, मेघा रहने दो सुरेंदु, अभी कहाँ कॉलेज जा रहे हो आप? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? BSc फर्स्ट ईयर। अच्छा, फर्स्ट ईयर है आपका। हाँ। अच्छा, कॉलेज में पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई अच्छी होती है। अच्छा, BSc के यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर पिपरिया है। हाँ। अच्छा, कितने घंटे की क्लास लेते हो? सुबह मतलब 12 से। कितनी क्लास लगाते हो पर डे? 3 से 4 घंटे। हाँ। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, 3 से 4 घंटे की पढ़ाई करने के लिए आपको दिन में कितने ज्यादा घंटे खर्च करने पड़ते हैं? कितने घंटे लगते हैं पूरा 4 घंटे की पढ़ाई करने के लिए? 10 से 11, वो तो ज़्यादा ही हो जाता है। जैसे ट्रेन लेट हो जाए शाम को तो और ज़्यादा लेट हो जाते हैं, और फिर यहाँ से गांव पहुँचने में 1 घंटा लग जाता है। कितना दूर है आपका गांव? 13 किलोमीटर। आप सुन सकते हैं इस बेटी की आवाज़, 13 किलोमीटर दूर से बनखेड़ी स्टेशन आती है और उसके बाद 20 किलोमीटर दूर पिपरिया जाती है। ये एक क्षेत्र में विकास कितना पीछे है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात नेताओं के द्वारा, मुख्यमंत्री जी भी करते हैं, तमाम जनप्रतिनिधि मुद्दा उठाते हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बेटी को अपना भविष्य बनाने के लिए 4 घंटे की क्लास लेने के लिए पिपरिया जाना पड़ता। कितना अच्छा होता, प्रयास होते, और BSc कॉलेज तो यहाँ पर बन गया है, लेकिन BSc संकाय अभी यहाँ पर नहीं है, साइंस की पढ़ाई नहीं होती है। यहाँ पर एक छोटा सा प्रसंग रखना चाहूँगा, बुधनी जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर कॉलेज है, BSc भी है, BA भी है, BCom भी है, और शायद पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गया होगा, 4-5 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ से होशंगाबाद तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर है। देखा जाए तो बुधनी से पहले आवश्यकता बनखेड़ी में थी कि कॉलेज बनखेड़ी में बनना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं स्थिति ये है, कॉलेज की पढ़ाई यहाँ पर करना कितना मुश्किल होता है, खास तौर से बेटियों के लिए। असुरक्षा, चूंकि हमारा समाज ऐसा है कि आज भी महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर सहज नहीं है, असुरक्षा, हमारी बेटियाँ हमारी बहनें जाती हैं, जैसे ही घर से निकलती हैं तो एक डर सा समाज का हल्का सा बना रहता है, बिना इनको आना पड़ता है। 4 घंटे की क्लास लगाने के लिए पूरा 12 घंटा खर्च करना पड़ता है। ये विकास के मुद्दे होने चाहिए, बजाय कि हिंदू मुस्लिम में हमारे समाज को बांटने के। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, क्षेत्र के नेता, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, कभी इन मुद्दे को लेकर सामने नहीं आती है। मैंने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर युवा क्या चाहते हैं, कैसे पढ़ेंगे बेटियाँ, कैसे बढ़ेंगी बेटियाँ, ये सवाल हम सभी के जहन में होना चाहिए। बेटियों को आगे लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समाज में ऐसा बराबरी का स्थान बनाना पड़ेगा, सोच में ये स्थान देना पड़ेगा कि हमारी बेटियां भी आगे बढ़ेंगी। देखा जाता है तो अगर हम परिणाम देखें, 12th तक, हायर सेकेंडरी की कक्षा तक, किसी भी विद्यालय में आप चले जाएं, अभाव में भी हमारी जो बेटियाँ हैं, सारे के सारे स्कूल का सबसे अच्छा रिजल्ट बेटियों का होता है, बेटों को कहीं पर पीछे छोड़ देती हैं। लेकिन जब कॉलेज की बात आती है तो बेटियाँ तकरीबन आधी हो जाती हैं, क्योंकि कॉलेज को पढ़ाने को लेकर हम सहज नहीं हैं।
शायद हमारे समाज में ये विचारधारा हमें बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। कहा जाता है कि बेटियां एक नहीं दो दो कुल को पालती हैं, उनको दो दो कुलों का भविष्य बेटियों के कंधे पर होता है। चलिए, ये थोड़ी सी मैंने एक नैतिक बात आपके सामने रखी। आप लोग ये बताइए, यहाँ पर क्या सुविधा होनी चाहिए? बनखेड़ी में अगर कॉलेज होता तो आपको कितना आसान होता पढ़ाई करने के लिए? क्या नाम है सबसे पहले? सरितार से। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा आप? बीएससी फर्स्ट ईयर। आप भी बीएससी पढ़ते हो? आपको भी 12 घंटे लगने पड़ते हैं? हाँ, एक ही गांव से हैं दोनों। किस गांव से आते हो? जासरवानी। जासरवानी काफी दूर का गांव है। यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं बेटियों को पढ़ना, बेटियों को पढ़ना कितना कठिन है। और हमारे जनप्रतिनिधि कर क्या रहे हैं बेटियों के लिए? आपका क्या नाम है? पायल मेहरा। पायल, आप भी जासरवानी से आते हो? नहीं, मैं यहीं पास से ठैनी से आती हूँ। ठैनी से आते हो। क्या करना चाहते हो जीवन में, क्या लक्ष्य है आपका? लक्ष्य मेरा मेडिकल स्टूडेंट बनना है, पर फिलहाल हालतों की वजह से हम मेडिकल स्टूडेंट नहीं बन पा रहे हैं। और कुछ अपने जीवन में पापा के लिए कुछ करना चाहूँगी। अच्छा, क्या करते हैं आपके पापा? मजदूर हैं। आप देख सकते हैं मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन बेटी अपने पिताजी के लिए कुछ बड़ा करने की सोच रही है। क्यों करना चाहते हैं अपने पिताजी के लिए कुछ बड़ा? क्योंकि हम उनको देखते आ रहे हैं कि वो हमारे लिए बचपन से क्या करते आ रहे हैं, तो उनकी थोड़ी मदद करना चाहूँगी। अच्छा, क्या क्या करना है आपने कुछ भविष्य में सोचा है? मेडिकल स्टूडेंट, जैसे इसने बताया कि मुझे मेडिकल की पढ़ाई करनी चाहिए थी, क्योंकि स्कॉलरशिप की फैसिलिटीज़ भी दी जा रही हैं, लेकिन जो जागरूक है उसके ही हक में योजनाओं का लाभ पहुँचता है। जो अभाव में है, जो मजदूर हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके बच्चों को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। हमारे बेटियों को कितना संघर्ष, एक तबके के, एक निचले तबके के लोगों की बेटियों को कितना संघर्ष करना पड़ता है आप देख सकते हैं। जॉब करनी है आपको? गवर्नमेंट जॉब? या। अच्छा, आपका क्या नाम है? संजना सूर्यवंशी। अच्छा संजना, आप किस गाँव से आते हो? पांजरा। पांजरा से। हाँ। स्टेशन के बारे में, बनखेड़ी में ट्रेन स्टॉपेज के बारे में क्या आप चाहते हो, क्या होना चाहिए? ट्रेनों को टाइम पर आना चाहिए, जैसे कि आप बिना कोई देख लीजिए बहुत लेट आती है। इनफैक्ट टाइम से दो घंटे के समथिंग लग ही जाता है, जैसे हमको आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप वापस कब आते हो कॉलेज से? हम वापस बहुत लेट आ पाते हैं, बिना आते टाइम भी लेट हो जाती है, तो टाइम लग जाता है। और घर पहुँचते, जैसे गाँव से बिलोंग करती बहुत सारी लड़कियाँ, तो टाइम एक दो घंटे से ज़्यादा ही लग जाता है, तो बहुत परेशानी होती है ट्रेन लेट होने के कारण। एक ट्रेन और होनी चाहिए बीच में? हाँ, नहीं, अगर यही ट्रेन टाइम पर चले तो सबको बहुत फायदा। आते समय दोपहर में? हाँ, दोपहर में एक ट्रेन चलनी चाहिए, जैसे बच्चों का भी काम हो जाता है लेकिन बीच में ट्रेन नहीं मिल पाती। और ऐसे कई बच्चे हैं जो बस से डेली आना जाना नहीं कर सकते, तो बीच में एक ट्रेन चलनी चाहिए। बस से आना जाना क्यों नहीं कर सकते, क्या समस्या है? किराया लगता है डेली, अब डेली इतना किराया, 30 रुपए कोई नहीं दे सकता ना। 30 आना 30 जाना। हाँ, 60 रुपए। अब देख सकते हैं तो और ही ज्यादा गांव से आते हैं तो 30, गांव से बनखेड़ी तक आने का और बनखेड़ी से पेपरिया तक जाने का 60 रुपए एक साइड का, 120 का पर डे। 120 रुपए खर्च करने पड़ेंगे अगर बेटियों को बस से अप डाउन करना है। सवाल कहां पर देश है, विकास के मुद्दे। आपको सोशल मीडिया पर मीडिया बखूबी इसका काम कर रही है, बड़े बड़े वादे दिखाए जाते हैं, बेटियों के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं वो भी दिखाए जाते हैं, लेकिन एक प्रयास हमारा भी है, असलियत शायद ये है, काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चलिए थोड़ा सा चुनाव के मुद्दे पर आते हैं। आप लोग भी इधर जाओ बेटा, आप लोग भी इधर जाओ, कम ऑन जॉइन अस। कितनी ऐसी जो छात्राएँ हैं कॉलेज की? 350-350 जाती हैं बनखेड़ी से? हाँ। बीना से अप डाउन करती हैं? हाँ। अच्छा, यस। परेशानी होती है आपको? होती है, बहुत परेशानी होती है। यस। क्या करना चाहते हो आप, क्या लक्ष्य जीवन में आपका? डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हो? मेरे को एमपी पुलिस में जाना है। एमपी पुलिस। हमारी बेटियों ने अच्छा यहाँ पर रिजल्ट आया, अभी एमपी पुलिस का रिजल्ट आया, तो बनखेड़ी में काफ़ी बेटियाँ एमपी पुलिस में अभी भर्ती हुई हैं रिसेंटली, 2 महीने की पहले की बात है। अच्छा, आप लोग बताइए, चुनाव में वोट तो सब डालने लगे होंगे शायद? 17+ है अभी। अच्छा अच्छा, अभी 12th पास आउट है सब बच्चे, संभावना है कि कुछ कुछ यहाँ पर वोट आप लोग डालोगे। अच्छा, वोट डालना चाहते हो सरकार को? क्यों डालना चाहते हो? जिसमें हमारी मतलब सुने, हित के लिए कुछ कर सकें हमारे लिए, हम इतने दूर से आ रहे हैं, हम किसी को मतलब बनाएंगे तो वो हमारे बारे में सुने, तो ऐसे वोट डालने से भी कोई फायदा नहीं है, हमारा मुखिया मतलब सुने। आप किसे, अगर आपको वोट देने का अधिकार मिलता है आप किसे वोट दोगे?
कैसा होना चाहिए जन प्रतिनिधि आपकी नज़र में? जन प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो हमारे विकास के बारे में सोचे, मतलब वोट लेने के बाद बदले नहीं, कि जो उन्होंने बोला है वो करके भी दे। अभी क्या देखते हो आप नौजवानों, अभी जो जन प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, जिनको वोट डालते हैं, हम लोग वोट डालते हैं, उनके को लेकर आपके प्रति क्या राय है? वो तो जो वोट डालते हैं उनके लिए तो मतलब पहले वोट डाल देते हैं, और वो काम करने जो बोलते हैं कि जो काम करवाएंगे, वो तो उसमें काम करवाने के लिए बहुत टाइम लग जाता है उनको। अच्छा। तो वो जल्दी से जल्दी करवाना शुरू करें जो बोलते हैं काम। अच्छा, अभी ऐसा नहीं करवा पा रहे, नहीं तो टाइम लगता है उनके लिए। अच्छा, आप क्या सोचते हो जो अभी जो नेता है जिनको वोट डाल के चुनते हैं, उनके बारे में क्या राय है आपकी? मेरी बस यही राय है कि वो जो वादे करते हैं, मतलब जो बोलते हैं, वो काम वो टाइम पर कर दे। पता चला उनको वोट मिलती, उनकी सरकार बनी, तो फिर वो वादे से मुखर जाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। अभी की सरकार में भाजपा की सरकार है, ऐसा नहीं हो रहा? अभी नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। आप क्या सोचते हो अभी जो वादे करते हैं भाजपा की सरकार है, वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं। हो रहे हैं, क्या पूरा हो रहा है? जैसे हमारे गांव में रोड नहीं थी पहले। अच्छा। बहुत ज़्यादा मतलब, हाँ, पानी की व्यवस्था भी नहीं थी, पानी भी हो गया, और रोड नहीं थी जिसके कारण पानी भर जाता था, आने जाने में और ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। अब थोड़ा ठीक है तो साइकिल से भी आ जा सकते हैं। अच्छा, आप वोट किसे दोगे अगर वोट देने का मौका मिलता है तो? अभी फिर वो सोचना पड़ेगा। अच्छा, क्यों सोचना पड़ेगा? क्या आपकी नज़र में नेता कैसा होना चाहिए? नेता मतलब जो सुने सबकी। अच्छा। हमारी बस नहीं, आपकी अभी जो वर्तमान सरकार है भाजपा, उसका काम अच्छा है? हाँ, मेरे हिसाब से तो ठीक है। आपका क्या कहना है, जो भाजपा सरकार है काम अच्छा है? हाँ, काम अच्छा है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। आप क्या सोचते हो? मेरे हिसाब से भी अच्छा है। अच्छा काम कर रही है, क्या काम किया आपके क्षेत्र में भाजपा सरकार ने? गाँव में किया है, क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन गाँव में नल जल योजना है, रोड की व्यवस्था है, स्कूल भी 8th क्लास तक है, और पास वाले गाँव में 10th क्लास तक भी हो गया है कपूरी में। अच्छा, आप क्या सोचते हो, क्या नाम है बेटा आपका? निकिता पटेल। निकिता, किस गांव से आते हो? रहटवाड़ा। रहटवाड़ा से आते हो। अच्छा, ये बताओ निकिता, अभी जो सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी हैं, विकास हो रहा है उनके शासनकाल में? हाँ, हो रहा है। हो रहा है। हाँ। वोट आप उनको ही दोगे? नहीं, वो तो टाइम ही बताएगा। नहीं, समय क्यों बताएगा, ये कोई बात है क्या? मैं तो ऐसी सरकार को वोट दूंगा, ऐसे जनप्रतिनिधि को वोट दूंगा जो कम से कम शिक्षित हो, जो बोल सके, लोगों तक आ सके, जिसका एक बैकग्राउंड हो राजनीति में, उसे मैं वोट दूंगा, मैं तो कहता हूँ। आप किसे वोट दोगे? आप किसे वोट दोगे? सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा, ये कोई बात है? क्यों सोचना पड़ेगा भाई? अभी तक वोट नहीं दिया? नहीं, अभी नहीं दिया। किस, कौन से नेता को आप वोट देना चाहोगे? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान को वोट दोगे, क्या बात है। ये नौजवानों की राय है। कहाँ से आते हैं आप? बनखेड़ी से हूँ। बनखेड़ी से हो, क्या नाम है आपका? प्रिया पटवा। प्रिया, तो आप देख सकते हैं चूंकि मुद्दे अलग अलग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, ज़्यादातर जो यहाँ पर बेटियाँ खड़ी हैं उनकी राय में तो वर्तमान जो सरकार है अच्छा प्रयास है। आप लोगों के गांव में विकास हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं। अच्छा, क्षेत्र में कमी है? हाँ, बनखेड़ी में कमी है। अच्छा, कमी है। अच्छा, आपके नगेड़ा में क्या कमी है भाई? अभी तक यहाँ पे नालियाँ नहीं बनी भाई। इतना बड़ा शहर क्या देंगे। अच्छा, गाँव में भी नालियाँ नहीं है पानी की, 2-3 महीने हो गए लेकिन अभी तक वो चालू ही नहीं करवाई। अच्छा। हाँ। कौन से गांव से आते हो आप? सीरावाड़ा। सीरावाड़ा से। बेटी को आप देख सकते हैं, तकरीबन बनखेड़ी आने के लिए 10 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है, ये सरकार के कहीं ना कहीं प्रयास अच्छे रहे हैं जिसके कारण आज जो हमारी गांव की बेटियां हैं वो जिस उम्र में गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो शादियों के बारे में सोचते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि हमारी बेटियां आज कॉलेज तक की पढ़ाई कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, ऐसा विकास होना चाहिए। लेकिन विकास के साथ साथ थोड़ा सा प्रयास ये भी हो कि उनके लिए हम थोड़ी सी सुविधा कर सकें। क्या है, 21वीं सदी में देश चल रहा है और 125 से 130 गाँव का प्रतिनिधित्व करने वाले कस्बे बनखेड़ी में एक कॉलेज तक नहीं है। कॉलेज है तो अभी इतने स्ट्रीम्स नहीं है। बहरहाल, हमने यहाँ पर प्रयास किया, जो हमारी छात्राएं हैं, जो हमारी बेटियां हैं, वो कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए जाती हैं। अच्छा। आज हम सब लोगों को बीएससी वाले का हिंदी इंग्लिश का पेपर है। कितने बजे से? 3 बजे। 2:30 के करीब में जाना है। अच्छा, 12 तो बज गया लगभग। हाँ, अभी 12 तो बज गया, अभी उसका पता नहीं कहाँ पे है ट्रेन का। 11 बजे का टाइम था उसका। हाँ। और अभी 12:58 बता रही टाइम, अब आप ही देख लीजिए। ट्रेन उसका 10 बजे का है, राइट टाइम 10 बजे का है, लेकिन अभी भी लेट हो गई है। अगर ऐसे ही हो गई तो पेपर देने कैसे जाएंगे फिर? बिल्कुल सही बात है। तो आप देख सकते हैं सुरक्षा, हम देखें माहौल में सुरक्षा व्यवस्था है,
सबसे ज्यादा आने जाने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, जैसे कई बार अकेले आते हैं ना गांव से, यहां से लेट जाते हैं, बस भी नहीं चल पाती या निकल जाती है, तब फिर ज्यादा प्रॉब्लम होती है घर जाने में, अकेले रहते हैं तब। अच्छा हाँ, और हमारे गांव तक तो कोई बस चलती ही नहीं है, चार गांव तक बस चलती है, वहां से 2 किलोमीटर फिर पैदल चलना पड़ता है। गाँव तक बस जानी चाहिए, 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है बस स्टॉप से। तो आप देख सकते हैं 6 बजे सर्दियों में और बरसात के टाइम पर 6 बजे अंधेरा हो जाता है और हमारी बेटियां हैं उनके लिए सुविधा नहीं है। 7 बजे स्टॉप पे, 8 बजे घर तक पहुंचते हैं, सुबह के 8 बजे से निकलते हैं, शाम को 8 बजे पहुंचते हैं। देख सकते हैं ये प्रयास हमारा होना चाहिए, अगली बार जब चुनाव के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान जो विधायक के उम्मीदवार हैं आपके घर में आए, तो इन बेटियों के बारे में ज़रूर सोचिए, कितना कठिन है इनकी पढ़ाई करना, और अगर इनको सुविधा मिल जाती है समाज से, हमारे नेताओं से, तो निश्चित तौर पर उस शर्त पर हमारा देश आगे बढ़ेगा, देश की बेटियाँ पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, क्या कुछ आपकी राय है ये जो हमारी तमाम चर्चा हुई है, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए ताकि आपकी जो राय हम तक पहुंच सके, वीडियो को देखने वाले प्रतिनिधियों तक ज़रूर पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।